नमस्कार, मैं रूपा शर्मा, जन सेवा लोकप्रिय समिति संस्था के फाउंडर। नवरात्रि के 9 दिन कैसे गए पता नहीं चला, और नवरात्रि के इस पावन 9 दिनों में जन सेवा के साथ बहुत सारे लोगों ने जुड़ के बहुत सारी जगह सेवाएं दी गई, भंडारे हुए। माता रानी की कृपा दृष्टि सब पे बनी रहे, खुशियों का भंडार भरे। और माता रानी से ये प्रार्थना करती हूँ कि जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनकी भी प्रॉब्लम तकलीफ़ों को दूर करें। और महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है, तो मेरा जन्मभूमि, मेरी जन्मभूमि प्रयागराज है, जहाँ मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता, और आज भी वहाँ के लोगों का प्यार, मान सम्मान जो मुझे मिल रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा गांव खोपा कौशाम्बी जिला आता है, लेकिन हमारे गांव में इतना प्यार, मान सम्मान जो आज है, जो सदियों से चला आ रहा है, वो आज भी है। हम जब जाते हैं तो जो प्यार, जो सम्मान, जो मान मिलता है ना, मैं भूल नहीं पाती हूँ। तो इस नवरात्रि, क्या हर नवरात्रि पे मेरे बाबा जी का बनाया हुआ वो मंदिर आज भी परिवार में, समाज में लोग वो नहीं हैं, लेकिन उनकी परंपराओं को लेके चले आ रहे हैं। तो इस नवरात्रि में भी वहाँ पे बहुत 9 दिन का माता जी का पाठ हुआ, भंडारे हुए, मेरे छोटे बाबा जी राम मूरत शर्मा जी, चाचा जी गंगा प्रसाद शर्मा जी और उमेश शर्मा जी जो एडवोकेट हैं और बहुत अच्छे कार्य करते हैं, समाज सेवा मतलब उनके रग रग में है। हमारे चाचा हैं, लेकिन भंडारा, नवरात्रि का हवन और नवरात्रि के 9 दिन जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, उन्होंने इस बार भी बहुत बाखूबी निभाया और कहा, बेटा इस बार जन सेवा की तरफ से ये सेवा है। क्योंकि पापा रहते थे तो पापा हमारे हमेशा हर जगह हर कार्य को, कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और हर कार्य में उनका सहयोग जाता था। आज वो 2 साल हो गए वो नहीं रहे, लेकिन उनकी कमी को, उनके किए हुए कार्य को आज भी जिंदा रखे हैं हमारे चाचा जी उमेश शर्मा जी, गंगा प्रसाद शर्मा जी, ज्ञान प्रसाद शर्मा जी, सुकुमार शर्मा जी और मनोज शर्मा जी। हमें गर्व है कि मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं आप सबके प्यार और आशीर्वाद के छांव के नीचे हूँ, तो उनके रग रग में है। हमारे चाचा हैं, लेकिन भंडारा, नवरात्रि का हवन और नवरात्रि के 9 दिन जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, उन्होंने इस बार भी बहुत बाखूबी निभाया और कहा, बेटा इस बार जन सेवा की तरफ से ये सेवा है। क्योंकि पापा रहते थे तो पापा हमारे हमेशा हर जगह हर कार्य को, कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और हर कार्य में उनका सहयोग जाता था। आज वो 2 साल हो गए वो नहीं रहे, लेकिन उनकी कमी को, उनके किए हुए कार्य को आज भी जिंदा रखे हैं हमारे चाचा जी उमेश शर्मा जी, गंगा प्रसाद शर्मा जी, ज्ञान प्रसाद शर्मा जी, सुकुमार शर्मा जी और मनोज शर्मा जी। हमें गर्व है कि मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं आप सबके प्यार और आशीर्वाद के छांव के नीचे हूँ, और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोगों ने फोटो भेजा कि बेटा देखो ये सारे कार्य हो रहे हैं यहाँ पे, तो गर्व से सीना, मतलब दिल, मतलब गर्व से फूल जाता है कि अरे वाह, आज भी हमारे उन परंपराओं को आप लोगों ने जीवित रखा है जो हमारे बाबा ने किया था। तो मैं अपने चाचा, सारे चाचा लोग, सभी चाचा को सादर प्रणाम करती हूँ, सादर नमन करती हूँ कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों के बताए हुए मार्ग पे मैं चल रही हूँ और हमेशा चलती रहूँगी। और जो आपने कार्य किए हैं वहाँ पे, उसके लिए मैं जितना भी बोलूँ उतना मेरे लिए कम है। और ये कार्य नवरात्रि में नहीं, दिवाली पे भी बहुत अच्छा वहाँ पे होता है। इस दिवाली पे भी मैं आने वाली हूँ, रामलीला होते हैं, लोगों को सेवाएं दी जाती हैं, भंडारे होते हैं, और ये हमारे बरसों से चले आ रहे हैं इस परंपरा को, हमारे छोटे बाबा जी राम मूरत शर्मा जी
और वहाँ पे हमारे चाचा जी रहते हैं, उमेश शर्मा जी, मनोज शर्मा जी, जो इस कार्य को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो मैं आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ और गर्व होता है अपने माटी के पे, गर्व होता है अपने जन्म स्थान पे कि मैं यहाँ जन्म ली हूँ, यहाँ पे पली बड़ी हूँ और आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, आप लोगों का साथ मिल रहा है। तो बस आप लोगों के प्यार के और आशीर्वाद के छांव के नीचे मुझे रहना है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश की माटी को सत सत नमन करती हूँ मैं अपने जन्मभूमि को। आप सबको सादर प्रणाम। Subscribe now and press the bell icon.